my online class. This is Dr. Muhammad Ibrar and you are watching Easy Way Learning. My dear students, आज मैं आप लोगों को जावा का जो स्कैनर क्लास है उसके बारे में बताऊंगा. As you all know कि जावा में जो वैल्यू इनपुट करते हैं यूजर से वो जनरली तीन तरीके से किया जाता है. एक है बफर रीडर, दूसरा है स्कैनर क्लास और तीसरा जो है होगा वो कंसोल क्लास होगा. ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्कैनर क्लास के बारे में बताने वाला हूँ. स्कैनर क्लास के थ्रू कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं अपने प्रोग्राम में और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे स्कैनर क्लासेस, स्कैनर क्लास के कौन कौन से मेथड्स होंगे. राइट, सबसे पहला डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम डेफिनेशन देखेंगे. मैंने आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा है. द स्कैनर क्लास इज यूज टू गेट यूजर इनपुट एंड इट इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज. And this is used to create an object of the class and use any of the available methods found in the scanner class. ठीक है, स्कैनर क्लास जो होगा वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाएगा और ये जो स्कैनर क्लास होगा वो किस पैकेज में होगा, यूटिल पैकेज में होगा, यूटिलिटी पैकेज में. ठीक है, ये शॉर्ट है यूटिलिटी पैकेज का, यूटिल. और साथ ही साथ ये क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में मदद करेगा और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मैथड्स अवेलेबल होंगे, इस मेथड कहां अवेलेबल होंगे, इस पैकेज में होंगे, उसको सॉरी स्कैनर क्लास में होंगे, ये सारे स्कैनर क्लास में होंगे. इस स्कैनर क्लास में जो मेथड्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं, हम बात करते हैं सिंटैक्स की. इसके सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स में हमने यहां पर लिखा है स्कैनर ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ध्यान रहे ये एस और स्कैनर का एस और ये वाला एस तीनों कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, और ये जो ओबीजे है ये ऑब्जेक्ट जो है ये यूजर डिफाइंड है. इसके जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल में यहां लिखा है स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो ये एस सी जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी स्कैनर क्लास में मेथड अवेलेबल है उसको हम एक्सेस करें किसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि स्कैनर क्लास का यूज कैसे करेंगे. आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ. इसके एग्जांपल में आप देखिए टॉप लाइन में क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. ठीक है, ये स्कैनर क्लास है, इसको इम्पोर्ट करने के लिए यानी स्कैनर क्लास का यूज हमको इस प्रोग्राम में करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको हमें इम्पोर्ट करना है. और वो स्कैनर क्लास किस में है, इस पैकेजेस में है. आप जावा के पैकेजेस के बारे जान रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजेस है जावा में. यूटिलिटी पैकेज जैसे हो गया आपका जो है AWT पैकेज हो गया, इनपुट आउटपुट पैकेज हो गया, एपलेट हो गया, और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं. हम यहाँ पे बात करेंगे यूटिलिटी पैकेज जो कि इसके अंदर स्कैनर क्लास है. फिर हम यहाँ पे लिखें एक क्लास टेस्ट के नाम से क्लास बनाएं, क्लास टेस्ट करली ब्रैकेट ऑफ मेन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन. ये आप जानते हैं कैसे क्या है ये लिखा जाता है कैसे. फिर हम यहाँ पे देखिए ये जो मेन चीज देखने का, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया नेम और उसके पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे क्लास है. राइट, आप पहले का लेक्चर, पहले का मेरा एक लेक्चर देखे होंगे तो मैं बताया था ये जो क्लास के बाद अगर वेरिएबल आ रहा है तो सो दिस वेरिएबल इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल. राइट, और मैंने नॉर्मल वेरिएबल की बात की थी कि अगर आप इंट सिंपल इंट ए लेते हैं या फ्लोट फ्लोट पी लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेरिएबल. लेकिन ये वेरिएबल क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है क्योंकि दिस इज अ क्लास. ठीक है, चले आगे देखते हैं. अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास के, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, अब ये डिफाइन करने के बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन इंटर योर नेम. राइट, ये मैसेज प्रिंट होगा. जैसे मैसेज प्रिंट होगा यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड से नेम को प्रिंट, नेम को डालेगा. राइट, जब नेम को डालेगा तो नेम किस में स्टोर होगा, कि ये नेम, चूंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नेम क्या होता है, किस मेथड के थ्रू, नेक्स्ट लाइन. अब आपको देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, मैं इसी के बारे में अभी बताऊंगा कि नेक्स्ट लाइन जो है ये मैथड है, ये मैथड किस में अवेलेबल है, स्कैनर क्लास में. राइट, सिर्फ ओनली यही मेथड नहीं, इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं चूंकि यहाँ पे ये यूज किया इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन क्या है, एक मेथड है, इनपुट टाइप मेथड है जिसके द्वारा हम एक लाइन को इनपुट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. जैसे अभी इनपुट हो गया ये, उसके बाद हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन नेम इज नेम, सॉरी ये यहां से यहां तक एक मैसेज प्रिंट होगा और जो भी वैल्यू आपका आया होगा नेम वो प्रिंट हो जाएगा. राइट, इसको लिखने के बाद आप जानते हैं फाइल को सेव करना, जो आपके क्लास का नाम उसी क्लास नाम से, जैसे आपके क्लास का नाम टेस्ट, इसके नाम से हम सेव कर दिए. सेव आप लोकेशन मान लीजिए आप सी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर बनाए हैं उसके अंदर आप सेव कर दिए. अब चूंकि आपका पाथ सेट है तो हम कंपाइल करेंगे इसको, जावा सी के थ्रू कंपाइल करेंगे, जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा इंटरप्रेस करेंगे, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा तो अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर यहाँ तक आ जाएगा. फिर आप जावा लिखोगे, उसके बाद टेस्ट लिखोगे, जावा से यहाँ पे इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में आपका इंटरप्रेट हो रहा है, इंटरप्रेट होगा प्रोग्राम. राइट,
यानी कि रन होगा। जैसे रन होगा तो क्या दिखेगा यहाँ पे कि इंटर योर नेम, ये मैसेज प्रिंट होगा। कौन सा मैसेज? ये वाला मैसेज, इंटर योर नेम। ठीक है, तो जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो आप डालोगे, आप यहाँ पे मान लो आपको नेम डालते हो, जैसे आपने डाला विक्की डाला, ये कोई भी नाम डाल दो। और विक्की डालने के बाद इंटर प्रेस किया, फिर नेम आउटपुट क्या आएगा इसके बाद, नेम, चूंकि यहाँ ये हमारा आउटपुट नेम इज विक्की, तो नेम इज यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे करके विक्की। तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया, एग्जांपल के थ्रू आपने देखा स्कैनर क्लास का यूज कैसे होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड यूज कैसे होता है, ये मैं दिखाया आपको। आइए अब देखते हैं स्कैनर क्लास के और कौन कौन से मेथड्स है, उसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, चलें देखते हैं। ये हमारे पास जो है ये जावा स्कैनर क्लास के और दूसरे मेथड्स हो गए, इसको हम कहते हैं इनपुट टाइप्स। ठीक है, जो सबसे पहले मैं लिखा हूं यहाँ पे नेक्स्ट बाइट, राइट। अगर हम बाइट वैल्यू लेना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट बाइट। सिंटैक्स सेम रहेगा, ये देखिए एसी डॉट नेक्स्ट बाइट, और ये हमारा वेरिएबल है जो आप डिफाइन करोगे, बाइट एज ए बाइट वेरिएबल डिफाइन करोगे, राइट। तो नेक्स्ट बाइट से क्या होगा, रीड्स अ बाइट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर से बाइट वैल्यू जो होगा वो रीड करेगा, ए में स्टोर होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट इंट, अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेना है, जैसे मैंने एज लिखा है यहाँ पे, एज डालना है तो क्या सिंटैक्स होगा, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, तो जो भी एज डालोगे इंटीजर वैल्यू किसमें आ जाएगा, एज में। सिमिलरली सारे मेथड्स का जो होगा वो जो सिंटैक्स सेम होगा, नेक्स्ट शॉर्ट है आपका, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट डबल है, नेक्स्ट लॉन्ग है, नेक्स्ट लाइन जो आपने यूज किया, ये सारे मेथड्स का सिंटैक्स होगा वो सेम होगा, आप उसको अप्लाई कीजिए अपने प्रोग्राम में। ठीक है, थोड़ा सा हट के एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सिंगल कैरेक्टर को कैसे इनपुट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सिंटैक्स लिखे हैं कैर, और ये हमारा वेरिएबल जेंडर, उसके बाद हम यहाँ लिखे एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैर एट जीरो। तो यहां से क्या होगा, नेक्स्ट जो है इसके थ्रू क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर स्टोर किसमें हो जाएगा, जेंडर में। अब जेंडर में या तो एम या एफ जो डालना होगा वो स्टोर करेगा इसमें। ठीक है, तो ये सिंगल कैरेक्टर यूज करने के लिए ये सिंटैक्स, आप ध्यान से देखिए इसको, राइट। फिर अगर सिंगल वर्ड यूज करना, हमारे पास एक और मेथड है, नेक्स्ट लाइन से भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और अगर सिंपल सिंगल वर्ड यूज करना, हमारे पास एक मेथड है नेक्स्ट, सिंटैक्स सेम हो जाएगा। ये हमारा वेरिएबल है जिसको हम स्ट्रिंग्स के द्वारा डिफाइन किए हैं, और एससी डॉट नेक्स्ट इंटरप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस वैल में सिंगल वर्ड हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स को आप अप्लाई कीजिए, दीज आर मेथड्स अवेलेबल इन स्कैनर क्लास, एंड स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन यूटिलिटी पैकेज जो आपने प्रोग्राम में देखा। ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम के लिए, व्हाट इज स्कैनर क्लास और कुछ मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिए। और अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।